हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का कौसी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम, जो भी आपके CBSE छात्र हैं जो 7 राज्यों में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग 7 राज्यों में हुई है, लेकिन कोई भी डाउट जो रह जाए वो आप कमेंट में बताना, और जो राज्य का मैं नाम ना ले पाऊँ वो भी आप कमेंट में बता देना, ठीक है ना। अच्छा, प्रमोट हुए छात्र तो उनको किस आधार पर अंक मिलेंगे, ठीक है ना, ये भी एक सबसे बड़ी जो है खबर थी। अच्छा, 2 से 3 बड़ी खबर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। अभी जो है मोस्ट अनाउंसमेंट हुए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन जब भी आपको कोई डाउट रह जाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। और दोस्तों, एक और बात बता दूँ, जो छात्र परीक्षा रद्द हुई है CBSE 10th क्लास की, 12th क्लास की अभी परीक्षा टली है, उनकी रद्द का कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन जो रद्द हुई है 10th क्लास की CBSE की, वो छात्र बोल रहे हैं सर हमें जो है प्रमोट किया जाएगा, तो किस आधार पर जो अंक मिलेंगे, किस आधार में कितने अंक मिलेंगे, तो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए, और आपकी जो सारे कमेंट हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ, सभी के लिए रिप्लाई देता हूँ, तो आपके जो अपना कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 राज्यों में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द, इन राज्यों में परीक्षा रद्द, प्रमोट होंगे छात्र, मीन्स छात्र प्रमोट होंगे तो उन्हें किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रही है, सर हमको किस आधार पर जो है नंबर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ सर कमेंट करके जरूर बताएं, एक नया वीडियो जरूर बनाएं, तो उसी को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और 3 से 4 बड़ी खबर आपको मिल जाएगी, और कौन कौन से छात्र किन किन, तो उसमें एक PDF भी मैंने एक जो है ज्वाइन कर दूंगा, पहले आपको बता देता हूँ किसकी PDF है। तो दोस्तों, पूरी लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CBSE बोर्ड एग्जाम 2021, CBSE ही नहीं 7 राज्यों में बोर्ड परीक्षा रद्द, देखें पूरी डिटेल, मीन्स पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। रही बात आपको जो PDF की डिटेल पूरी, तो PDF में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो पहले आपको दिखा दूँ ऑफिशियल नोटिस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की तरफ से जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो यहाँ पर ये तरीके से आप पढ़ लीजिए, ये क्लास 12th के लिए है, क्लास 12th के लिए है, तो यहाँ पर आप पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं आपको दिखा दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नई दिल्ली CBSE बोर्ड परीक्षाओं में बेकाबू हो रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर 10वीं परीक्षा 12वीं की टाल दी गई है, मेरी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं की टाल दी है कोरोना वायरस को देखते हुए, ठीक है ना। अच्छा, वहीं आप आगे बात करें तो 12वीं की परीक्षा का फैसला 1 जून के बाद होगा, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाओं का शेड्यूल में बदलाव करने वाला CBSE बोर्ड पहला बोर्ड नहीं है। कई राज्य बोर्ड के छात्रों राहत देते हुए फैसले दिए गए। दोस्तों, एक और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब भी आपकी परीक्षा होगी उसे 15 दिन पहले ज़रूर बता दिया जाएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 15 दिन पहले ज़रूर बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कल से आपकी परीक्षा है और 3 दिन आपको पहले बताया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, 15 दिन पहले ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको दिखा दूँ, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे सही जैसे राज्य शामिल है, ठीक है। अच्छा, वहीं आपको दिखा दूँ नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश बोर्ड भी इसमें शामिल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 मई तक लिए स्थगित कर दी है, मीन 17 मई तक स्थगित कर दी है 10वीं और 12वीं की। इसके अलावा अंडर एजुकेशन प्रोग्राम परीक्षाओं के लिए 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ठीक है ना। दोस्तों, ये जो है हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं की स्थगित करने के लिए संबंधित आदेश भी जारी किया है। बोर्ड की परीक्षा 13 अप्रैल तक शुरू हो गई हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही इन्हें निश्चित करने की घोषणा कर दी गई है। अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट मीन 17 अप्रैल तक शुरू होनी थी। अच्छा, वहीं आपको बता दूं, अब बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड तक आप बने रहना। राजस्थान बोर्ड की बात करें, राजस्थान बेकाबू हो रहे कोरोना महामारी के चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला करते हुए राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है, ठीक है ना, 10वीं और 12वीं की, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जी ने। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड की छात्र छात्राओं के 9वीं और 9वीं के पास छात्रों की 10वीं और 11वीं के छात्र सीधे 12वीं में प्रमोट किया गया है। मीन्स दोस्तों, राजस्थान में क्या एक रूल चलता है, जो भी 8वीं क्लास भी आपका बोर्ड होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 8वीं क्लास भी प्री बोर्ड होता है, बोर्ड होता है पूरा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 10th और 12th प्री बोर्ड होते हैं, तो इसको प्री बोर्ड समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमोट करने का फैसला किया है, मीन सभी को प्रमोट करने का फैसला लिया। जानकारी के अनुसार CM अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद डडोसरा के इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए बाद ये आदेश दिया है। अच्छा, वहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ पूरी, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की, मीन्स MP बोर्ड में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होनी थी,
30 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की भयानक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए महीना के स्थगित कर दिया गया है, एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है एमपी बोर्ड में ये तरीके से, ठीक है। अच्छा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून तक नहीं होंगी, मीन 10वीं जो छात्र 10वीं और 12वीं में उनकी भी परीक्षा 1 महीने तक नहीं होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, ठीक है। चलिए, परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जल्द ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी कर दिया जाएगा। एमपी स्कूल मंत्री ने परीक्षा स्थगित करने के लिए घोषणा समय के बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इस परीक्षा कराना संभव नहीं है। दोस्तों, ये परीक्षा 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है एमपी बोर्ड में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में। छत्तीसगढ़ बोर्ड में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा टाल दी गई है। वहीं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, इसके अभी तक नई तिथि घोषित नहीं की है, मीन्स नया शेड्यूल, नया टाइम टेबल कोई घोषित नहीं हुआ है, ना ही नई तिथि घोषित हुई है, ठीक है ना। जबकि 12वीं की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम एम के अनुसार 3 मई से शुरू होकर 24 मई तक संपन्न होंगी, मीन्स 3 मई से स्टार्ट होकर 24 मई तक होंगी इनकी 12th की परीक्षा। 10th की अभी कोई आदेश नहीं हुआ, टाल दी। अब बात करते हैं पंजाब बोर्ड की, ठीक है। चलिए, पंजाब बोर्ड की आपको बता दूं क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने वाला पंजाब पहला राज्य था, मीन्स बोर्ड परीक्षा पंजाब बोर्ड ने ही की थी, ये पहला राज्य था। पंजाब में 10-12वीं की परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। नई डेट शीट के अनुसार 20 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन इसका आखिरी पेपर 24 अप्रैल को होना था। जबकि 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा अभी तक कोई फैसला नहीं है। पंजाब में बोर्ड ने कहा कि 10वीं की परीक्षा अभी अगले दो से तीन हफ्ते दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा, अभी जो है इसका नहीं आएगा जब तक ये वीडियो शूट हो रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की। महाराष्ट्र बोर्ड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बेकाबू हालत को मद्देनजर देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। दोनों की परीक्षा स्थगित कर दी है, जो 10वीं के छात्र हैं और 12वीं के छात्र हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने परीक्षा स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा थी स्वास्थ्य की स्थिति के बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा मई के अंत तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें 10वीं की परीक्षा जून में होंगी, ठीक है ना। इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तारीखें घोषणा की जाएगी, मीन्स नए सिरे से सब कुछ टाइम टेबल सब कुछ आप घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं तमिलनाडु बोर्ड की। तमिलनाडु बोर्ड में क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ। तमिलनाडु में अभी तक स्वयं एक राज्य भी नहीं है जिसमें 10वीं की परीक्षा रद्द ना की गई हो। वहाँ 9वीं और 11वीं की परीक्षा की छात्र छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया है, मीन्स छात्र प्रमोट हो गए हैं तमिलनाडु बोर्ड में, ठीक है। छात्र प्रमोट हो गए हैं तमिलनाडु बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, वहीं आपको बताएं, हालांकि 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू हो रही थी, अभी तक मद्देनजर कोई टालने की विचार नहीं है। तो दोस्तों, 3 मई से ये परीक्षा शुरू हो रही थी, अभी कोई 12वीं की परीक्षा बात करें, 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होनी थी, लेकिन अभी कोई टालने का विचार नहीं है। तो यहाँ पर ये रहा तमिलनाडु बोर्ड का। तो आशा करता हूँ आपको 7 से 8 बोर्ड की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, सभी को आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अभी मैं फ्री बैठा हूँ तो सबका कमेंट पढ़ूंगा, 1-2 घंटे में सबका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, इसको सबसे लेकर कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्द, धन्यवाद, बाय बाय।